नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यूज़ अपडेट पहल पे स्वागत है। दोस्तों, IPL 2021 मैच नंबर 7 खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मध्य 15 अप्रैल को भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 PM को वानखेड़े स्टेडियम में। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान टीम के अपने फर्स्ट मैच या मुकाबले में 4 रनों से पंजाब के हाथों हार हुई थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स टीम ने दोस्तों अपने फर्स्ट मैच या मुकाबले में 7 विकेट से CSK टीम को हराया था। दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश और आप देख रहे हो न्यूज़ अपडेट पर यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों आपको आज के इस मैच या मुकाबले में मैच टॉस सेशन की कंफर्म रिपोर्ट है, तो आप बादशाह भाई को जाके व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो, इनका काम काफी अच्छा है। दोस्तों, बादशाह भाई के नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों टीम के मध्य लास्ट के 5 मैच या मुकाबलों की बात की जाए तो आपको बता दें कि दोस्तों सभी मैच या मुकाबलों में DC टीम ने राजस्थान टीम को हराया है। चलिए दोस्तों, दोनों टीम की प्लेयर लिस्ट देख लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान टीम से बेन स्टॉक्स पहले ही बाहर हो चुके हैं। राजस्थान टीम की ओर से आज के मैच में संजू सैमसन, जॉस बटलर, रियान पराग, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, राहुल तेवतिया, मुस्तफिजुर रहमान व डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी खेलते दिखाई देने वाले। राजस्थान टीम में आपको 1 या 2 चेंज भी देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर दिल्ली टीम की ओर से आपको शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अंजिक्य रहाणे, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, सिमरन हेटमेयर, क्रिस वोक्स, टॉम करन, अमित मिश्रा व अविश खान जैसे खिलाड़ी खेलते नजर आने वाले। दोनों टीमों का दोस्तों हेड टू हेड IPL इतिहास देख लेते हैं। आपको बता दें कि दोनों टीम IPL में अभी तक टोटल 22 मैच या मुकाबले खेल चुकी है। दोनों टीम ने 11-11 मैच या मुकाबलों को अपने नाम किया है। राजस्थान टीम का DC टीम के सामने हाई स्कोर 201 रन है। वहीं दोस्तों DC टीम का राजस्थान टीम के सामने हाई स्कोर 196 रन है। अप्रैल मंथ का रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों अप्रैल मंथ में दोनों टीमें अभी तक टोटल 8 मैच या मुकाबले खेल चुकी है। राजस्थान टीम ने 5 मैच और DC टीम ने 3 मैच को अपने नाम किया है। आज का मैच या मुकाबला वानखेड़े में खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमें पहले भी 1 मैच या मुकाबला खेल चुकी है। फर्स्ट मैच या मुकाबले में राजस्थान टीम ने DC टीम को हराया है। दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम में T20 डोमेस्टिक में फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर 170 रन है। पिच की बात की जाए तो यहाँ की पिच बैलेंस्ड है। यहाँ पे टॉस विनर टीम आपको पहले बॉलिंग करती हुई दिखाई दे सकती है, जिसका दोस्तों मेन कारण है कि स्टेडियम समुद्र किनारे होने की वजह से सेकंड इनिंग्स में आपको डी फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। फर्स्ट इनिंग्स के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो आज के इस मैच या मुकाबले में फर्स्ट इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम 180 से 190 का स्कोर बनाती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्राउंड पे 200 का स्कोर भी सेफ स्कोर नहीं कर सकते, हासिल किया जा सकता है। वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों स्काई बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। आप आज के इस मैच या मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स पे देख सकते हो। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल फोन के अंदर हॉट स्टार ऐप पे देख सकते हो। दोनों टीम की ओर से की प्लेयर्स को देखते हैं जो इस मैच या मुकाबले को आसानी से जिता सकते हैं। DC टीम की ओर से शिखर धवन, पंत व अविश खान है। वहीं दोस्तों राजस्थान टीम की ओर से डेविड मिलर, संजू सैमसन व क्रिस मॉरिस है। क्या दोस्तों आपने अभी तक बादशाह भाई को जाके व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं किया तो आज के इस मैच या मुकाबले में मैच टॉस सेशन की कंफर्म रिपोर्ट के लिए बादशाह भाई को जाके व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो, इनका काम काफी अच्छा काफी बेटर है। दोस्तों एक बार जाके ट्राई करो, बादशाह भाई के नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे प्रिडिक्शन व निष्कर्ष के अनुसार आज के इस मैच या मुकाबले में या IPL के 7th मैच या मुकाबले में DC टीम की जीत होने वाली है। कोई भी चेंज होगा तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम आप साइड में देख पा रहे हो, टेलीग्राम पे जाके सर्च करके ज्वाइन करो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए।